नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी की एक बानगी राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर देखने को मिली। आगामी धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजित करने को लेकर कोतवाली थाने में CLG की बैठक आयोजित की गई। वही बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की गई। वही शांतिपूर्ण हुई बैठक में प्रशासन ने समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों को सहयोग करने की अपील की। बैठक में निश्चित किया गया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए राम रेवाड़ी का जुलूस परंपरागत तरीके वाले मार्ग से होकर राजतलाब पहुंचेगा। वहीं इस शोभा यात्रा में रघुनाथ मंदिर की राम रेवाड़ी के साथ अन्य 4 राम रेवाड़ी शामिल होगी। शोभा यात्रा में यह भी तय किया गया कि पूजा अर्चना के लिए महिलाओं को नहीं रोकते हुए भीड़ को कम किया जाएगा। वहीं शोभा यात्रा में अखाड़ों की ओर से कोई करतब नहीं दिखाए जाएंगे और 5-5 की संख्या में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद राम रेवाड़ी निकाली जाएगी, जिससे लोगों की भीड़ कम हो सके। वहीं आपको बता दें कि एक दिन पूर्व हुई शांति समिति की बैठक में राम रेवाड़ी की शोभा यात्रा निकालने को लेकर विवाद गरमा गया था। इसी को देखते हुए विभिन्न समाज और युवा संगठनों के पदाधिकारियों ने प्रशासन के सहयोग का आश्वासन देते हुए बीच का रास्ता निकाला। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, ASP कैलाश संधू, उपखंड अधिकारी पर्वत सिंह चुडावत, डिप्टी गजेंद्र सिंह, शहर कोतवाल रतन सिंह, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी, भवानी जोशी, सुनील दोषी आदि मौजूद रहे।